बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमने द किचन स्टाइल में आपको क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाना सिखाए हैं, जो हमने आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व किए हैं। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हम इंशाल्लाह आपको आलू बुखारे की और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी जल्द सिखाएंगे। इसे ट्राई करके हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चल हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको अपने चैनल में बेसन वाले क्रिस्पी आलू बता रहे हैं। ये है एक प्याली बेसन, दो अदद कटे हुए आलू हमने इस पे पानी में शामिल कर दिया है। इसको आलू को नमक डाल के, ये है हल्दी, सफेद जीरा, कुटी हुई लाल मिर्चे, नमक, सोडा और हरी धनिया गाढ़ा मिला दिया है बेसन के पकौड़ों के लिए आलू के। अब हम इसके अंदर पहले नमक, जीरा, हल्दी और कटी हुई हरी धनिया और ये सोडा डाल देंगे थोड़ा सा। बेसन में आलू को डिप कर दिया है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस बेसन में थोड़ी सी लाल मिर्ची भी कुटी हुई यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम तेल में डाले रखमाने रहे ये हमारे मजेदार आलू के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। आप आलू बुखारे की चटनी के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू ब्राउन हो चुके हैं, हल्के लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन करना है इसको। अब हम इसको पलट दिया आलू को, बिल्कुल हल्की आंच पे तले ताकि आपका आलू बिल्कुल कच्चा नहीं रहे और आपका बेसन भी बिल्कुल कच्चा नहीं रहे।